अभी की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी हैं और साथ में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आज हम लोगों ने जानने हैं अपने टॉपिक के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में। और आप लोगों ने जो चीजें कल पढ़ी थी शायद आप लोगों ने एक बार रिवाइज करके देखा होगा तो लोगों की क्या क्या पॉइंट थे जो हम लोगों ने समझे। और ये तो तय है कि जो भी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे वो कुछ ही दिन है हमारे, 2 या 3 दिन, जब तक इसका जो 2 या 3 दिन की मैक्सिमम आज या कल में ही हम उसका जो भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जितने लोग यहाँ पर इस समय क्लास ले रहे हैं मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सिस्टम सभी के घर पे है? यस सर। कंप्यूटर सिस्टम सभी के घर पे है ना, राइट? हाँ बोलिए एक बार। सर कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ फोन है। कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपके घर पे कंप्यूटर नहीं है फोन है तो भी हम बहुत अच्छे से काम चला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब लोगों ने रन कराने हैं, क्योंकि मेन एक्टिविटी सीखना ही हमारा कोडिंग का है, कैसे हमारे कोड वर्क करते हैं, कैसे हमारा मेथड काम करेगा, तो यही हमारा एक्चुअली सीखना होता है अपनी किसी भी लैंग्वेज के लिए। बट क्रिटिकल तो ये है कि बस आप एग्जाम के पर्पज से भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और ये तो तय होगा कि जब आप अपना 11th या 12th का फाइनल एग्जाम देने के लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है शायद उम्मीद है कि CBSE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर आएंगे जहाँ आपको लिखना होगा। और साथ में कुछ क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे कि कोडिंग से रिलेटेड आते हैं, वो एक कोड हमें प्रोवाइड कर देते हैं, बोलते हैं कि इस कोड से रिलेटेड जो भी आउटपुट होगा आप लोग जनरेट कीजिएगा, या कोई आउटपुट आपके लिए दे दिया तो उसके लिए वो बोल देते हैं इसके लिए आप लोगों ने कोई कोड लिखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से, यानी एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि पेपर के टाइम पे, यानी 12th के पेपर के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय जब जो कोड हमसे पूछे जाते हैं या जो प्रोग्राम वो हमसे लिखवाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, वो मैक्सिमम बहुत कम बच्चे होते हैं जो कोड को एग्जाम की कॉपी के अंदर लिख पाते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे, और साथ में मैं आपको एरर को ढूंढने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारी एरर आती है, किस एरर की वजह से हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें भी आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स भी दिया करूंगा कि आपको मैंने कोई कोड दे दिया इसको आपने प्रॉपर आउटपुट मुझे जनरेट करके देना है, तो उसमें कुछ एरर्स होंगी प्रोग्राम के अंदर जो आप लोगों ने ढूंढनी है उनको सही करना, ठीक है। यस सर। हाँ चलिए, तो मैं एक सेकंड का टाइम देता हूँ आप लोगों के लिए, एक मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए फिर हम क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? यस सर। हाँ, अभिषेक सर मैं क्लास स्टार्ट करूँ? अभिषेक सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, तो साथियों मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ और उससे पहले कुछ और बेसिक बातें हैं जो आज हम आज जानेंगे। आप लोग हेडिंग देख सकते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, क्या हेडिंग है हमारी? व्हाई डू लर्न जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। तो मैं एक सिंपल बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करती है, अगर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो हम यार मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जावास्क्रिप्ट जो है एक्चुअली वो हमारी है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आप लोग सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होंगी। पहली लैंग्वेज होगी आप लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी होगी मेरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, राइट। तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ अपना और फिर मैं साथ तो मैं बात कर रहा हूँ आपके स्क्रिप्टिंग की। तो सबसे पहली जो है आप साथियों आपको बहुत ध्यान से समझते चलना, तो पहली जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी पहले हम ये समझ लेते हैं कि
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है बेसिकली वो हमारी टू टाइप्स की होती है, और जहाँ पर जो पहली लैंग्वेज होगी मेरी वो होगी आपकी तो पहली जो लैंग्वेज होगी हमारी स्क्रिप्टिंग की, पहली लैंग्वेज काफी होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जो दूसरी होगी वो मेरी होगी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। कुछ समझ में आया इन दोनों चीजों से? आप लोग क्लाइंट साइड के बारे में जानते हैं, सर्वर साइड के बारे में जानते हैं कुछ? सर्वर साइड जो होती है डाटा को डिलीवर किया जाती है। हाँ बस अब बिल्कुल इसको समझते चलिएगा। अगर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो टू टाइप्स की होंगी। पहली जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है आपकी वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और सेकंड जो होगी वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट का अगर मतलब मैं पूछूं आप लोगों से, या हम क्लाइंट जो वर्ड है वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो भी यूजर अपने ब्राउजर से कोई भी रिक्वेस्ट देता है वो एज अ क्लाइंट कहलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि हम जब भी कोई ब्राउजर पे सर्च करते हैं या अपनी कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि कोई भी ब्राउजर के सिस्टम के अंदर ले लेते हैं, जैसे मैं क्रोम की बात कर रहा हूँ, आपके मोज़िला फायरफॉक्स की बात कर रहा हूँ, या किसी और मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं और वहां पर जाकर हम अपनी कोई भी रिक्वेस्ट डाल देते हैं। वो जो रिक्वेस्ट हमारी तरफ से जा रही है, जिस एंड से रिक्वेस्ट जा रही है, वो एंड आपका फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड एंड कहलाया जाएगा। आगे बात समझ में, वो जो एंड होगा हमारा वो फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड एंड कहलाया जाएगा, और जहां हम रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं, जहां से हमें कंटेंट चाहिए या जहां से हम डेटा की डिमांड कर रहे हैं, वो एंड आप लोगों का सर्वर साइड एंड कहलाया जा सकता है, या इसको आप लोग बैक एंड भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे देखो मेरी बात सुनो, मेरी वॉइस अगर आप लोगों को ना आए तो मुझे साथ के साथ आप लोग बताते चलना, वॉइस एकदम क्लियर है ना मेरी आप सभी को? चलिए, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मेजर लैंग्वेजेस हैं जो हम क्लाइंट साइड के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहली जो लैंग्वेज होगी वो होगी आपकी HTML, CSS और आपकी JavaScript। ये बात याद रखना, ये जो हमारी तीनों लैंग्वेजेस हैं ये मेजर लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज हम अपनी क्लाइंट साइड कोडिंग के लिए करते हैं। अगर मैं सर्वर साइड कोडिंग की बात करूं तो सर्वर साइड पर जो मोस्टली चीजें यूज की जाती है हमारी वो लैंग्वेजेस है हमारी PHP, साथ में आपकी जावा और रूबी, एक लैंग्वेज है आपकी रूबी जो सर्वर साइड कोडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, पायथन, और साथ में जो यूज होगी आपकी वो होगी ASP.NET। ये जो बाकी की लैंग्वेजेस मैंने लिखी हैं इनका यूज मैं करता हूं अपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, यानी कि जो सर्वर एंड के लिए मुझे जब कोडिंग की जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी PHP, Java, Ruby, Python या ASP.NET लैंग्वेज का यूज करता हूँ। अब बात आती है कि सर इनका यूज हम अपने बैकएंड के लिए क्यों करते हैं, या HTML, CSS और JavaScript का यूज हम अपने फ्रंटएंड के लिए क्यों करेंगे, यानी अपने क्लाइंट साइड के लिए हम क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं क्लाइंट साइड की बात करूं तो क्लाइंट साइड पर हम सिर्फ एक ब्राउजर को देख पाते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं या कोई भी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें सिर्फ एक ब्राउजर दिखता है और उस ब्राउजर पे हम लोग अपनी रिक्वेस्ट टाइप करते हैं। जैसे ही हम अपनी रिक्वेस्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ब्राउजर का काम होता है हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाना बाय इंटरनेट, और सर्वर का काम होता है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें जो भी रेस्पॉन्स हमारा होगा या जो भी रिक्वेस्ट हमने उसको भेजी है वो रेस्पॉन्स तैयार करेगा और हमारे ब्राउजर को डिलीवर कर देगा। लेकिन अब मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पर सिक्योरिटी का। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो ये जो लैंग्वेजेस आप लोग देख पा रहे हैं PHP, Java, Ruby, Python, ASP.NET, इन लैंग्वेजेस के थ्रू आप अपने सर्वर को मोर सिक्योर बना सकते हैं। बात आ रही है समझ में, मोर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सर्वर के पास ही हमारा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा होगा, ये बात आप जानते हैं ना?
क्योंकि भाई हम तो यहाँ क्लाइंट साइड पर बैठे हुए हैं, ब्राउज़र पे हम गए, वहां पर हमने कोई भी अपनी रिक्वेस्ट डाली, तो यहाँ हमें इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये जो ब्राउजर के लिए जो कोडिंग हम करते हैं या जो वेब पेज हमें शो होता है उसके लिए जो आप लैंग्वेज यूज करेंगे अपनी वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, वो जो कंटेंट होगा आपका या वो जो स्क्रिप्टिंग साइड होगी आपकी, वो आपकी HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट से बनती है। HTML का रोल भी आपको यहाँ समझ चुके हैं, HTML का रोल क्या होगा आपके CSS का रोल क्या है ये भी आप यहाँ जान चुके हैं, आपके जावा स्क्रिप्ट का रोल क्या है ये भी आप यहाँ पर जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन अपने सर्वर एंड को मोर सिक्योर करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो अपने जावा और अपने पाइथन का, ये दो लैंग्वेजेस हैं जो हमें मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं हमारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पार्ट। अभी बात समझ में? जी सर। अब हम बात करते हैं आगे की। तो पहली बात तो हमने ये समझ ली आज की, जो हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारी दो यानी टू टाइप्स की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होंगी और दोनों के मैंने बारे में लिख दिया कि पहली लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी और जो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वहां पर आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। अगली बात समझ में? आगे चले। जी सर। चलिए अच्छा, अब एक बात और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि देखिए जब भी हम एक वर्ड यूज करते जा रहे हैं बार बार क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की बात करते हैं, तो आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में डिफरेंस क्या होगा? सर क्लाइंट साइड जो भी यूजर है वो यूजर फंक्शंस यूज करेगा वो शो करेगा, सर्वर साइड में जहाँ से हमें आंसर रिसीव होगा इनफॉरमेशन। यानी कि क्लाइंट साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये यूजर के लिए डिजाइन किया गया प्लेटफॉर्म है जहाँ से यूजर अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा अपने सर्वर के लिए, और सर्वर मेरा वो पार्ट होगा या वो एक रिमोट सिस्टम होगा जहाँ से आपको आपके लिए डेटा डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो आपकी HTTP होती है। आप लोग जानते हैं HTTP के बारे में, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग जानते हैं। जब भी आप किसी वेब पेज की बात करते हैं ना तो वेब पेज पर आप लोग ध्यान रखना स्टार्टिंग में सबसे पहले HTTP लिखा होता है, और HTTP जो है वो मेरे इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। अगली बात समझ में? यस। चलिए अब हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट को हम मतलब क्यों पढ़े, क्यों इसका मेन हमारा यूज होगा, ये सारी चीजें। देखिए सबसे पहली बात यह कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल बात हो गई। देखिए फ्रंट एंड की जब भी कोडिंग की जाएगी ये बात आप ध्यान रखना, यानी फ्रंट एंड का मतलब है मैं क्लाइंट साइड की बात कर रहा हूँ, वो आप जावा स्क्रिप्ट में करेंगे। अब जावा स्क्रिप्ट में करने का मतलब क्या हुआ वो समझ लेते हैं। देखिए जब भी आप मान लेते हैं कोई आपने वेब पेज जनरेट कर लिया तो वेब पेज का जो एक सिंपल स्ट्रक्चर है वो हम अपने HTML के थ्रू डिजाइन कर लेते हैं, ये बात हम जानते हैं। CSS से हमने उसको एक लेआउट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं आपने कोई एक बटन डिजाइन किया, उस बटन को मोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करानी है। मोर फंक्शनैलिटी का मतलब ये कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपका कंटेंट चेंज हो जाना या साथ में आपका जो रिलेशन होगा वो डेटाबेस के साथ में बन जाना, ये सारा का सारा जो काम है आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करें, ठीक है। यस चलिए। यस ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। अच्छा एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो सिर्फ हमारे ब्राउजर पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो हमारे सर्वर पर भी एग्जीक्यूट होता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि जो मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का यूज कर रखा है, यानी अपने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यानी क्लाइंट साइड की कोडिंग के लिए और एज वेल एज आपके सर्वर साइड कोडिंग के लिए, हम दोनों के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पार्ट के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, क्योंकि क्लाइंट साइड का मतलब ये है कि जो हमारा ब्राउजर एंड होता है जहां से कोई भी कस्टमर या कोई भी जो यूजर होगा वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और जहां हमारी HTTP प्रोटोकॉल्स का यूज होगा, उसके बाद में सर्वर क्या होगा उससे रिलेटेड जो भी उसका आउटपुट होगा कंटेंट होगा वो हमें वापस कर देगा, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट के एडवांटेज की, तो एडवांटेज आप लोग मुझे बताएंगे वन बाई वन।
सबसे पहला है बेस सर्वर इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा वर्डों को पढ़ो और उसको आइडेंटिफाई करके मुझे रिप्लाई करो। यारी बात समझ में, देखिए सुनो मेरी बात, जब भी आप लोग है ना अपने आप को थोड़ा इसलिए कैसे आउटपुट भी मिलेगा उसका मतलब उसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा और लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सर्वर पे सर्वर ट्रैफिक का मतलब क्या है पहले ये सुनिए। देखिए अगर हम गूगल के सर्वर की बात करें, गूगल के सर्वर की भी बात, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ उसके ऊपर अपनी रिक्वेस्ट डाल देते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। मान लेते मैं भी ब्राउजर पे समथिंग कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं और भी कोई कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो एक ही टाइम पर उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब एक ही टाइम पर इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है तो ऑब्वियसली बात है नेटवर्क का ट्रैफिक इतना पॉसिबल है। तो इस ट्रैफिक को देखते हुए हम जब जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, इसका काम ये है कि एक तो ये हमें प्रॉपर इनपुट प्रोवाइड कराएगा उस ट्रैफिक को दूर करते हुए, और साथ में कि जो भी कंटेंट होगा हमारा वो इजिली हमारे ब्राउजर पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसका नेक्स्ट एडवांटेज होगा इमीडिएट फीडबैक द विस्टर। अब देखो विस्टर का मतलब क्या है, वही हम यूजर की बात कर रहे हैं, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट अपने ब्राउजर पर डाल के सर्च करता हूँ विद इन सेकेंड मुझे रेस्पॉन्स मिलता है, राइट। लेकिन विद इन सेकेंड जो रेस्पॉन्स मिलता है ना, इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस होगा। लंबा प्रोसेस का मतलब क्या है, ब्राउजर यहाँ से रिक्वेस्ट को उठाएगा, फिर वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर के पास भेजेगा, सर्वर के उससे रिलेटेड जो भी आउटपुट होगा मुझे भेजेगा। अगर इस पूरे प्रोसेस को तुम समझोगे तो हमें ये लगेगा सर कितना टाइम लगता होगा, लेकिन इंटरनेट की स्पीड जो है, जो हम आप लोग अब अच्छी तरह जानते हैं कि जो पेज के थ्रू हम अपना डेटा को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, इतनी स्पीड ज्यादा होती है कि जैसे ही आप अपने ब्राउजर में जाके क्लिक करते हैं आपको विद इन सेकंड उसका रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो पहली बात तो यह कि इमीडिएट फीडबैक मिलता है जो भी बिस्तर जाके, बिस्तर का मतलब है जो भी जो क्लाइंट होगा या जो भी यूजर होगा अपने ब्राउजर पे जाके सर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंक्रीज इंटरेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बताइए कुछ आप लोग जानते हो तो? देखिए इंक्रीज इंटरेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप अपने ब्राउजर को कोई भी इनपुट देते हैं तो इनपुट के लिए हम मोस्टली कीबोर्ड डिवाइस का यूज करेंगे, एक आपका कीबोर्ड होगा और एक आपका माउस होगा, तो मोर इंटरेक्टिविटी होती है क्योंकि आपको अगर कोई भी इनपुट टाइप करना है तो उसके लिए आप लोग ऑब्वियसली बात है कीबोर्ड का ही यूज करें, राइट। अगर जैसे ही हमने ब्राउजर पर जाके कोई रिक्वेस्ट डाली तो उससे नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स हमें वहां मिल जाते हैं। हाइपरलिंक्स आप लोग जानते हैं ना किसको कहते हैं, Yes. और उसका डिस्क्रिप्शन आप भी जानते होंगे जी सर। हाँ डिस्क्रिप्शन क्या होता है बताइए जरा। डिस्क्रिप्शन जानता है आप में से कोई सर? दोबारा देंगे ना एक बार सर। डिस्क्रिप्शन मैंने मतलब यूट्यूब पे देखा है कि लिंक उसके क्लिक कर तो लिंक वगैरह शेयर करने होते हैं, डिस्क्रिप्शन में होता है। जैसे ही आप गूगल पे कोई रिक्वेस्ट डालते हैं ना, जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं मैं अपने फोन पे फोन पे जाने की बात में मैंने यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट मैं डाल दें, जैसे मैंने डाल दिया फ्लिपकार्ट में मान लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम करके कुछ मैंने डाल दिया। अब एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये जो कंटेंट मेरा लिखा हुआ आ रहा है मेरे ब्राउजर पे, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट डाली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स HD पिक्चर करके, जरा ध्यान से देखिएगा जैसे ही मेरा कर्सर इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बेस के पास जाता है ये मेरा ऑटोमेटिक अंडरलाइन हो गया, राइट। हाँ जैसे ही ये अंडरलाइन हुआ इसका मतलब ये है कि ये आपकी हाइपरलिंक्स है। हाइपरलिंक का मतलब ये है कि मेरा वो कंटेंट या मेरा वो टेक्स्ट जिस पर क्लिक करने के बाद हम अपने दूसरे वेब पेज पर जंप कर सकते हैं। तो
मैंने जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करा, मैं अपने दूसरे वेब पेज के ऊपर जंप कर गया, राइट। वापस से चलते हैं वही, यानी कि अब आप सिंपल, पहले सिंपल भाषा में समझो, यहाँ पर देखो मेरे दो कलर के अंदर टेक्स्ट दिया हुआ है, एक कलर मेरा, एक कलर जो है आपका वो ब्लू कलर का है, दूसरा मेरा ब्लैक कलर में है। जो ब्लू कलर में जितना भी कंटेंट हमारा लिखा हुआ है, ये सभी का सभी आपका हाइपर लिंक है, और जो नीचे ब्लैक कलर में कंटेंट लिखा हुआ, एक्चुअल में ये वो डिस्क्रिप्शन है कि जैसे जो पहली लिंक है मेरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इमेज, इस लिंक के अंदर क्या क्या कंटेंट है जो आपको मिलने वाला है, वो आप सभी का ब्लैक कलर में लिखा हुआ, यानी जो नीचे वाला कंटेंट है वो ऊपर वाले लिंक का डिस्क्रिप्शन कहलाया जाता है, और हाइपर लिंक हम कहते हैं किसको, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए, यानी कि मेरा वो टेक्स्ट जिस पर क्लिक करने के बाद में आप अपने दूसरे वेब पेज पर जंप कर जाते हैं। अब साथ में ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आया, ये भी मेरा अंडरलाइन हो गया। 98 एम्प्लॉयबिलिटी स्टॉक फोटोज को देखो, जैसे ही मैंने इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आया, एक मेरी अंडरलाइन आ गई, और ये अंडरलाइन ही मुझे शो कराती है कि ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक हाइपर लिंक है। अगली बात समझ में? हाँ, और यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है आप लोगों की? साथ के साथ पूछते भी चलना मुझे, आगे चलते बोलिए अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोगों की। चलिए ठीक है, आगे हम बात करेंगे रिचर इंटरफेस की। इसका मतलब भी देखो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर रिचर इंटरफेस में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जैसे मैं अपने ब्राउजर पे गया, मैंने ये कंटेंट देखा जो भी है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि रिचर इंटरफेस का मतलब ये है कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से, यानी कि एकदम सिंपल वे में आपको आपके हाइपर लिंक्स मिल रहे हैं, इजिली हम उनको सर्च कर सकते हैं, साथ में ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी हमें यहाँ जो जावा स्क्रिप्ट है उसके थ्रू मिल पाती है। यू कैन यूज जावा स्क्रिप्ट टू इंक्लूड सच आइटम्स एज ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब समझते हैं आप लोग? सर यस। क्या मतलब होता है बताइए जरा सर? एक जगह से उसको ड्रैग करके दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देना, यानी कि ऐसा मैं कट पेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप को आप लोग ऐसा कट पेस्ट भी बोल सकते हैं, जहां से हम एक कंटेंट को उठाते हैं, उठाने के बाद में जैसे ही दूसरे कंटेंट को ड्रॉप करते हैं तो वहां से उसका जो मेन एक्चुअल प्लेस होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी एक रिचर सिंपल इंटरफेस होगा जो आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अब एक बात मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों से ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे जैसे, क्योंकि अभी हमारा आज मैं को खत्म करने की कोशिश करूंगा जिससे कि कल से हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करें, तो जैसे ही हम लोग कल से प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूंगा। टास्क का मतलब सबके लिए है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठते हुए एक एक वेब पेज जनरेट करिए। जैसे हमने आज एक वेब पेज बनाया, अगला वेब पेज हम कल बनाएंगे, उस वेब पेज का मैं कंटेंट आपको बताया करूंगा कि ये कंटेंट आप लोगों ने यूज करना है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ टैग्स होंगे जिसका आप लोग यूज करेंगे, और फिर इन टैग्स को आप लोग हाइपर लिंक की तरह लिंक कराएंगे, राइट जी सर। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी बात, पहले मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, जैसे ही यानी कि आज थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी, जैसे जब हम कल से प्रैक्टिकल करेंगे तो पहले मैं प्रैक्टिकली आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए दिखाऊंगा कि किस टैग का आपने यूज करा और ये वर्क कैसे किया और कैसे आपने जो वेब पेज थे वो एक दूसरे से रिलेट हुए, कहाँ पर आपने क्लिक किया और हाइपर लिंक करने के बाद में, क्योंकि ये जो हाइपर लिंक आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो हाइपर लिंक जो आप लोग यहाँ ब्राउजर पे देख रहे हैं, ये सभी हाइपर लिंक आप लोग जनरेट करेंगे अपने अपने वेब पेज पर, और इतना सिंपल तरीका होता है वेब पेज के अंदर हाइपर लिंक बनाने का कि आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, सिंगल एक टैग का ही यूज करेंगे आप लोग और नंबर ऑफ हाइपर लिंक आप बना सकते हैं, राइट। जैसे देखो मेरी बात, जैसे मैं मान लेते हैं ब्राउजर पे गया और मैंने आपको दिखाया कि जैसे हम यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आते हैं यहाँ पर एक अंडरलाइन आ जाती है, तो हमें ये लगता होगा पता नहीं यार इसके लिए इन्होंने जो भी डेवलपर होंगे कितनी बड़ी कोडिंग उन लोगों ने करी होगी। कोई कोडिंग नहीं है, सिंपल एक टैग यूज करेंगे और ये हाइपर लिंक हमारी बन जाएगी, ठीक है। साथ में हम यहाँ पर जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखी ये भी सारी की सारी चीजें लिखेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग अपना जैसे जो जो टॉपिक्स हम पढ़ते हुए चले जाएंगे साथ में उनके ऊपर हमें वेब पेज भी साथ के साथ बनाना होगा, जिससे कि फाइनली जब तक आप लोग अपना जावास्क्रिप्ट का पूरा कंटेंट पढ़ पाएंगे तब तक एक बहुत अच्छा और शानदार एक फाइनल प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने डिसाइड किया है वो ये होगा, कितने लोग हैं जो कन्वर्टर के बारे में जानते हैं,
कन्वर्टर के बारे में सुना है आप लोगों ने? नो सर। नो सर। चलिए मेरी बात सुनिए। हमारी जो वेबसाइट होगी ना वो कुछ अलग तरीके से होगी, अलग का मतलब ये कि हम चाहे तो उसमें पहले मैं भी अपने कुछ व्यूज दूंगा और फिर आप भी मुझे बताएंगे कि सर ये पॉइंट होने चाहिए हमारी वेबसाइट में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोशिश करेंगे अपने स्कूल की एक वेबसाइट बनाए सिंपल। अब स्कूल की वेबसाइट के लिए एक बात सोचने का, नंबर ऑफ वेब पेज की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड हमारे 80 से लेकर 100 वेब पेज होने चाहिए। अब आपको लगता होगा सर ये वेब पेज 80 से लेकर 100 तो बहुत बड़ा काम होगा, कोई काम नहीं है, सिंपल बहुत सिंपल काम है हमारा। और इसके लिए पहले मैं एक रफ डायग्राम आप लोगों को तैयार करके दूंगा। मेरा काम होगा सबसे पहला काम, जैसे कि मैं कल एक क्लास स्टार्ट करूंगा आप लोगों की, तो पहले मैं एक रफ काम आपको बताऊंगा, एक रफली एक अपना एक प्रोजेक्ट जो है जो कि जिसको पर हम काम करेंगे वो मैं पहले डिजाइन करके बताऊंगा कि नंबर 100 वेब पेजेस होंगे, ये मान लेते हैं हमारा जो होगा वो होम पेज होगा, इसके बाद में कौन कौन से हमारे मेजर पेज होंगे वो सारे पेजों के नाम हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, फिर किस पेज के अंदर में कौन कौन से सब पेज आएंगे ये सारा का सारा रिलेशन मैं बताऊंगा। फिर साथ में एक सबसे अच्छा तरीका मेरा ये होता है कि जब भी मैं कोई वेबसाइट डिजाइन करता हूँ तो मैं अपने वेब पेजेस का नाम बहुत शॉर्ट तरीके से लिखता हूँ। जैसे कि मैंने होम पेज की बात करी तो इसको मैं लिखूंगा hp.html, यानी कि hp नाम से ही मुझे पता चल गया ये मेरा होम पेज है। इसके बाद ये मेरा मेन पेज है, इसको मैंने नाम दे दिया m और ब्रैकेट के थोड़ा डॉट लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसके लिए भी मैंने ये वेब पेज बनाया, मैंने लिख दिया अबाउट, तो m अबाउट, इसका मतलब ये हो गया amabout.html, इसका मतलब ये कि ये मेरा मेन पेज है और इसका एक्चुअल में नाम क्या है about.html। सेम जितने भी हमारे मेन पेजेस होंगे वो सारे बनाने हैं, फिर मेन पेजेस के साथ में हमने कौन कौन से पेज को लिंक करना है वो भी पेज बनाएंगे। अगर मुझे लगता है कि किसी पेज के साथ में और कोई सब पेज लगाने की जरूरत हो तो वो भी हम सब पेज अपने ऐड करते हुए चलेंगे। रफ कार्य पहले मैं आपको तो कल एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कुछ ऐसे करके वर्क करेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि कल तक का भी आप लोगों के पास टाइम होगा, आप भी एक बार सोचकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट होने चाहिए हमारी वेबसाइट पे, राइट? ओके सर। तो मैंने जो भी कन्वर्टर की बात करी थी, कितने लोग हैं जो कन्वर्टर के बारे में जानते? कन्वर्टर नाम नहीं सुना आप लोगों ने? नो सर। मोबाइल फोन नहीं चलाया आप लोगों ने? छोटे जो आते थे कन्वर्टर, तो हाँ उसके बारे में भी सुना है। देखिए कन्वर्टर सिंपल एक मैथमेटिकल टर्म्स है और जहाँ पर आप अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स को डिफरेंट यूनिट्स में चेंज करेंगे, यानी कि आप जितनी भी लेंथ होंगी हमारी, लेंथ का मतलब ये है कि मैं वहां पर लेंथ को चेंज करने के लिए आपको बताऊंगा, जैसे कि सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में चेंज करना है, मीटर हमने दे रखा है उसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो सिंपल वहां पर आप लोग देखेंगे हमारे कुछ लेबल्स हुआ करेंगे। लेबल में मैंने मान लेते हैं यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ मिलीमीटर मैंने लिख दिया, आपको उसी को सिंपल बोलेगा अपना इनपुट यहाँ पर दे दीजिएगा। आपने मान लेते 10 सेंटीमीटर लिया, फिर यहाँ पर ओके या जो भी मैं बटन का नाम दे देंगे, जो आप चाहो उसका नाम दे देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो यूनिट होगी वो चेंज ओवर मेरी यहाँ आ जाए। आ रही है बात समझ में? जी सर। तो कुछ ऐसे करके हम लोगों ने कन्वर्टर डिजाइन करना है। लेंथी थोड़ा काम है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल काम होगा जिसके लिए मेहनत आप लोगों ने कर दी। दूसरी बात यह है कि मेरा काम होगा सिर्फ आपको पर डे सपोर्ट करना, कि जैसे ही मान लेते हैं मैं कोई न्यू टैग के बारे में आपको बता दिया या मैंने न्यू फंक्शन के बारे में बता दिया, मैं आपको बताता ही ऐसे ऐसे चलूंगा जैसे जैसे जो हमारे प्रोजेक्ट की लीड होती रहेगी, उसी के हिसाब से हम अपने टॉपिक को लेकर चलेंगे और टॉपिक के हिसाब से ही मैं आपको काम देता हुआ चला जाऊंगा कि आप आज अपने वेब पेज के अंदर ये काम ऐड करके लीजिए, ठीक है? जी सर। अच्छा, ओके सर। दूसरी बात यह है कि इसके साथ में हम अपनी मेमोरी को भी, जो मेमोरी यूनिट होती है उनको भी चेंज करा के देख सकते हैं, कि जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा यहाँ पर कि जी आप यहाँ पर 4 बिट अगर हम देना चाहते हैं तो 4 बिट के अंदर हमारा क्या यूनिट बनेगा, जैसे आपने 4 बिट का जो कलेक्शन होता है उसको हम डिविल भी कह सकते हैं या आप उसको हाफ वाइट भी कह सकते हैं, है ना? तो ऐसे करके जो भी यूनिट हमारी बनेगी तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है? साथ में रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट आप लोगों ने खुद की चीजें इवेल्युएट करनी है, ढूंढनी है, और जैसे कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं हमारे स्कूल के अंदर नंबर ऑफ क्लब्स होते हैं, राइट? यस। हाँ, तो हर क्लब के लिए हम लोगों ने अपना एक अलग अलग वेब पेज बनाना है,
जैसे मैंने मैथ क्लब की बात करी तो उस क्लब के अंदर मैथ के जो भी टीचर्स होंगे तो उनका नाम होगा, फोटोज लगी हुई होंगी और साथ में मैथ के इक्विपमेंट्स की फोटो होगी और मैथ के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ होगा और साथ के साथ साथ में ही वहां पर मैं छोटे छोटे से हाइपर लिंक दूंगा। जैसे मैंने हाइपर लिंक दिया कि मैथ के अंदर हम यूज करते चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, अगर उस ट्रिग्नोमेट्री पे भी कोई बच्चा क्लिक कर देता है तो वो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के पेज पर चला जाएगा, फिर वहां उसको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, वापस चाहे तो वो अपने मैथ क्लब के पेज पर आ जाएगा। काम आसान लगता है आप लोगों को, टफ लग रहा है पहले तो मुझे ये बताओ। मैं दोबारा सुनना चाहूंगा आपसे, देखिए हाँ कैसे लगता काम टफ है या ना मॉडरेट है ना इजी ना टफ आलसी का मतलब ये है, मैं एकदम अपनी वीकनेस आपको बता दूं, मैं आलसी हूँ, मैं ज्यादा टाइप करने की कभी कोशिश नहीं करता, मेरा काम होता है सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि जितना भी मैं कंटेंट आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि मैं ट्रिग्नोमेट्री डालूंगा ये भी ऐसे है, सिर्फ कुछ नहीं करना, गूगल से इन्फॉर्मेशन उठानी और वहाँ पेस्ट कर देती है और अपने अकॉर्डिंग उनका फॉन्ट चेंज हम कर देंगे, ठीक है। पहला जो हमारा मेन काम होगा कल का, जो कल से जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, कल की क्लास में मैं आप लोगों को डिस्कस करके पहले ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने वेब पेज को लिंक करना शुरू करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितने मिनिमम बेस्ट वेब पेज होंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम चाहें तो उसमें कितने भी वेब पेज आप वहां ऐड कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहें कि सर आप अपने, जैसे मान लेते हैं तो मैंने कहा कि भाई आपने ना अपने स्टाफ के बारे में लिख दिया, अपने अबाउट स्टाफ करके, जैसे मैंने वहां पर मैं उस अपने बटन पर क्लिक करूंगा तो आपके स्कूल में जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो सब आ जाएंगे, है ना। तो फिर अगर आप चाहो कि सर इंडिविजुअल हर टीचर के नाम का भी एक अलग वेब पेज होना चाहिए, बिल्कुल हम बना सकते हैं। तो हम जो टीचर्स के नाम वहां पर यूज करेंगे वो एज अ हाइपरलिंक यूज करेंगे। जैसे मैं किसी टीचर के ऊपर, मैंने मान लेते हैं कोई टीचर है उनका नाम लिखा हुआ है सुषमलता और वो मान लेते हैं हमारी हिंदी की टीचर है, तो जैसे आप सुषमलता पे क्लिक करेंगे तो सुषमलता के बारे में पूरी बात लिखी आ जाएगी। एक उसका फोटो होना चाहिए टीचर का, साथ में आप उसके बारे में लिखा होना चाहिए, बेसिक बातें होंगी कि लगता है और ये इतने टाइम से टीचिंग प्रोफेशन में है। और अगर कोई दो चार पांच पॉइंट आप उनसे लेना चाहते हैं कि मैम आप अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में अपने बारे में हमें कुछ दे दो, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे, तो वो चीज भी आप वहाँ ऐड कर सकते। कौन से स्कूल के अच्छे से कौन सुमन लता जैसे नाम ले रहे हैं, सिंपल नाम लिया सर, ठीक है सर, तो काम बहुत सिंपल है, इतना टफ काम मुझे नहीं लगता है। बस पहला काम हमारा कल जो प्रोजेक्ट का होगा वो ये है कि कैसे हम अपने वेब पेज को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और साथ में हाइपरलिंक कैसे जनरेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सीधी सी बात ये है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, सभी के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। अगर लिमिटेशन ना हो तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन या उसे एडवांस हमारे पास बना, जैसा कि आप सिंपल अच्छी तरह बात जानते हैं कि सिंपल मैंने बोल दिया एक्सेल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैंने क्या एक वर्ड और ऐड कर दिया एडवांस एक्सेल। तो जो एडवांस एक्सेल होगा वो जो भी लिमिटेशंस मेरे एक्सेल के अंदर होंगी उसको रिमूव करते हुए एडवांस एक्सेल के नाम से एक नया प्रोडक्ट और आया, उसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स होंगे। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ नंबर ऑफ लिमिटेशंस है जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहली बात हम करें तो पहला लिमिटेशन है आपका क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट डज नॉट अलाउ द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फाइल्स। देखो क्लाइंट साइड के अंदर अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो हमारी फाइल्स को रीड राइट करने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी पहले भी बताया था कि एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एक सिंपल एक मैं ये कहूँ कि आप कहूँ सर सिर्फ हम HTML में अपना काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। HTML के साथ में भी हमें अपनी और कई सारी लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें कि आप कहें कि सर अगर सर्वर साइड की कोडिंग हम सिंपल जावा के अंदर करें, बिल्कुल भी नहीं कर सकते,
क्योंकि जो काम हम जावा के अंदर कर रहे हैं हो सकता है उससे अच्छा या उससे अच्छे आउटपुट के लिए वो मुझे पाइथन में यूज करने के लिए मिल जाए या मुझे वो रूबी के अंदर मिल जाए। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए नंबर ऑफ लैंग्वेजेस का हम लोग यूज करेंगे। और लैंग्वेजेस का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ हमारी लैंग्वेजेस के अंदर थोड़े बहुत लिमिटेशन होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट का जो यूज है आप लोग अपने नेटवर्किंग एप्लीकेशन के अंदर नहीं यूज कर पाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट का सिंपल यूज कहा है, लिमिटेड इसका स्कोप है कि ये आपके क्लाइंट साइड एंड पर यूज होगा, ब्राउजर के लिए काम करेगा और आपकी रिक्वेस्ट को इजिली भेजकर आपको एक प्रॉपर रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज नहीं है। अब मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसर कोई मुझे बताएगा इस दोनों वर्ड का मतलब क्या है, या एक कैसे मल्टी प्रोसेसर का मतलब कोई बताए? आप लोग रियल लाइफ में बहुत यूज करते हो ये मल्टी प्रोसेसर वाला? सर जो एक सारी चीजें एक ही टाइम पे बहुत सारी फंक्शंस को काम कर सकते हैं। एग्जांपल दो बेटा इसका कोई। सर एमएस वर्ड, चलिए मेरी बात देखिए, आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जो है ना टेक्निकल कोर्स पढ़ रहे हैं, टेक्निकल टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने दिमाग को और अपनी सोच को थोड़ा सा इस लेवल पर लेकर आओ कि हम भी चीजों को सोच सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि मैंने कहा मल्टी प्रोसेसर, तो मल्टी का मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है कंप्यूटर साइंस में प्रोसेसर का मतलब क्या है, प्रोसेसर का मतलब सिंपल कोई भी टास्क। अब जैसे कि मान लेते हैं आप अपना मोबाइल फोन या अपना कंप्यूटर सिस्टम लेकर बैठे हैं या मोबाइल फोन की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ आप लोगों ने गाने चला रखे, ऑडियो के गाने चल रहे हैं, वो अपना अलग टास्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वहीं एक तरफ आप लोग साथ के साथ चैट भी कर रहे हैं, ये भी दूसरा काम हो गया आपका। एक तरफ आपने क्या करा, फटाफट गूगल ब्राउजर पे गए और कुछ अपना गाना बोल दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट बैठे वो आप लोगों ने डाउनलोडिंग के लिए लगा दी। अब मुझे जरा आप एक बात करो, सिंगल एक टाइम पर आप कितने काम कर रहे हैं? तीन काम कर रहे हैं ना, आपने गाना भी डाउनलोडिंग पर लगा रखा है, एक तरफ आपका म्यूजिक भी चल रहा है, साथ में आप लोग चैटिंग भी कर रहे हैं या अपना कोई और भी काम कर रहे हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं अपने फोन के अंदर या सिस्टम के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है एक ही टाइम पर नंबर ऑफ प्रोसेस को एक्सिक्यूट कराना, ये आपका मल्टी प्रोसेसर कहलाया जाता है। ये कैपेबिलिटी हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। और सबसे अच्छा जो मल्टी प्रोसेसर सपोर्ट करता है वो आपका जावा, एंड्रॉइड और आपकी पाइथन। ये बात समझ में? यस सर। हाँ, जितने भी मल्टी प्रोसेसर के लिए हम कोई भी अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो वो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम लोग जावा का यूज। ठीक है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट को हम जानते हैं कि अपने क्लाइंट साइड कोडिंग के लिए हम इसका यूज करेंगे, अपने कोड को और एक मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ये सारी चीजें जो हम बार बार रिवाइज करते हुए आ रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ आज जो फर्स्ट डे होगा हमारा, यानी जो मेन टेक्निकल काम सीखेंगे वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ से आप लोग अगर चाहें तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से चीजों को नोट भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको सारी बातें ध्यान में रखनी। आगे बात समझ में? यस। हाँ चलिए, तो सबसे पहली मैं बात करूंगा यहाँ से अपने स्क्रिप्ट के बारे में, व्हाट इज स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग का क्या रोल होगा हमारे जावा स्क्रिप्ट में यूज करने के लिए। देखिए आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपना इंडिविजुअल लेवल पर जावा स्क्रिप्ट का यूज नहीं कर सकते। जावा स्क्रिप्ट का जब भी हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML कोड, यानी कि आपको अपने जावा स्क्रिप्ट का यूज करना है तो अपने HTML कोड के साथ में ही हम अपने जावा स्क्रिप्ट कोड का यूज करेंगे। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो HTML है हमारा वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है, यानी जो भी कंटेंट हमें लिखना है, जो भी कोड हमें वहां पास कराना है वो सभी हम टैग की फॉर्म में कराते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो डिजाइन किया गया वो आपका एक स्क्रिप्ट टैग था और इस स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ही आप अपना कोई भी जो कोड होगा, कोई भी फंक्शन होगा वो सभी इजिली एग्जीक्यूट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML कोड, राइट? यस। हाँ बिल्कुल। अच्छा साथ में है ना आप लोग एक नया टैग और देखेंगे, एप्लेट का नाम सुना है? माइक बंद कर लीजिएगा बेटे आप। एप्लेट का आप लोगों ने नाम सुना है? एप्लेट का
कितने लोगों ने एप्लेट का नाम सुना है? हाइफन कर लीजिए प्लीज। तो मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। हां, एप्लेट टैग के बारे में सुना है आप लोगों ने? एप्लेट टैग के बारे में, एप्लेट एक नाम सुना है? सर बिल्कुल भी नहीं सुना। बताइए, रिप्लाई कीजिए। सर एप्लेट का किसी भी मॉडल को डिफाइन करता है। क्या काम करता है सवाल बताइए। सर एप्लेट टैग किसी यूआरएल को यूआरएल के लिए लगाया जाता है। अच्छा, देखिए मेरी बात, एप्लेट जो है एक्सेल में वो हमारा जावा लैंग्वेज के लिए काम करेगा। जैसे स्क्रिप्ट टैग का यूज आप करते हैं जावा स्क्रिप्ट कोड को एचटीएमएल में यूज करने के लिए, सेम जो आपका एप्लेट टैग होता है वो हम यूज करते हैं अपने जावा के प्रोग्राम को एम्बेड करने के लिए एचटीएमएल कोड के साथ। यानी कि एप्लेट और स्क्रिप्ट ये दो अलग अलग टैग हैं। अगर आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर अपने जावा स्क्रिप्ट कोड का यूज करेंगे। अगर आपने वहां पर एप्लेट टैग का यूज करा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आप अपने जावा कोड का यूज करेंगे। आगे बात समझ में? हाँ, ये दोनों बातें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम अपने जावा कोड की बात करते हैं तो जावा कोड के लिए वहां पर सिंपल जो कोई भी प्रोग्राम अपना नोटपैड पर ले लीजिए, कोई भी टेक्स्ट एडिटर पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग डॉट जावा के नाम से सेव करते हैं। फिर वो हमारा कंपाइल होने के बाद में एक बाइट कोड जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ में होगा। और जब भी आप अपने जावा कोड को एचटीएमएल के साथ में यूज करेंगे तो उसके पाथ के लिए या क्लास के नाम के लिए जो एक्सटेंशन यूज होता है वो आपका डॉट क्लास होगा। ये बात ठीक है? हाँ, जैसे कि जब आप अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज करते हैं तो हम लोग वहां पर, मैंने आपको आगे भी पढ़ेंगे चलकर, कि हमारे पास मेनली दो तरीके होते हैं कि या तो आप इनलाइन जावा स्क्रिप्ट का यूज करें या एक्सटर्नल एक्सटर्नल के अपने जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। इनलाइन का मतलब ये कि सिंपल अपने जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है या तो आप अपने अपने एचटीएमएल के हेड पार्ट के अंदर यूज करेंगे या आप अपने बॉडी पार्ट के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो वहां पर आप लोगों ने करना ये है कि जावा स्क्रिप्ट के लिए अलग फाइल तैयार करनी है और एचटीएमएल के लिए अलग फाइल तैयार करनी है। और हम कोशिश ये करें उसके अंदर कोशिश ये करते हैं कि जो आप लोगों ने एचटीएमएल के लिए फाइल बनाई है उसको डॉट जेएस एक्सटेंशन के साथ में सेव करेंगे और उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ आप अपने एचटीएमएल कोड के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो केसेस हम लोग देखते हैं कि आपके जिस फोल्डर के अंदर एचटीएमएल का कोड बना हुआ है कोशिश कीजिएगा आपकी जावा स्क्रिप्ट का कोड भी उसी फोल्डर के अंदर हो। अगर सेम फोल्डर में नहीं है तो आप फिर वहां पर पाथ देने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही? Yes. चलिए मैं एक बार इसको प्रैक्टिकली और समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं आप लोगों ने कोई एक आपके सिस्टम के अंदर एक फोल्डर है और इसका नाम आपने दे दिया प्रोजेक्ट करके, फिर आपका फोल्डर है और यहीं पर आपने डॉट एचटीएमएल करके आपकी फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप यहाँ पर जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है वो भी आपके सेम फोल्डर में हो। अगर ये सेम फोल्डर के अंदर है तो यहाँ पर सिर्फ आपके डॉट जावा स्क्रिप्ट यानी अपनी फाइल के नेम से ही आपका काम चल जाएगा। अगर दूसरे केस की मैं बात करूं कि एक फोल्डर आपका अलग है, इस केस को दोबारा समझिएगा, मान लेते हैं आपने प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर और बना रखा है, यहाँ पर आपकी जो एचटीएमएल फाइल है वो रखी है और जावा स्क्रिप्ट की फाइल आपकी किसी और ड्राइव के अंदर, ये मान लेते हैं सी ड्राइव के अंदर, ये मान लेते हैं आपके डी ड्राइव के अंदर है और यहाँ पर आपके डॉट जावा स्क्रिप्ट की फाइल अलग रखी हुई है। तो ऐसे केस में आप लोग ध्यान रखना कि इस फाइल का जो भी आपका कोड है ना उसका पाथ आप यहाँ पर देंगे। क्या देंगे आप यहाँ पर? पाथ। हाँ, पाथ का मतलब है कि वो किस किस लोकेशन पे हमारा सेव रखा हुआ, यानी कि कहाँ कहाँ पर आपने अपनी फाइल को सेव किया हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने सिस्टम के अंदर गया और देखिए,
जैसे मान लेते हैं सिस्टम के अंदर मान लेते हैं कि आते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं अपनी ई ड्राइव के अंदर चला गया और यहाँ पर मेरा मान लेते हैं मैथ नाम का फोल्डर है और इस मैथ नाम के फोल्डर के अंदर मेरी कोई भी वो पर्टिकुलर फाइल है, चलिए मैं कोई होती मान लेते हैं सीजीएल करके या पिछला दिन चलो जो भी है मान लेते प्रोजेक्ट करके ही मैंने यहाँ पर देखी है ना, प्रोजेक्ट के अंदर हम गए क्लास फाइव के अंदर, यहाँ पर कोई भी हमारी फाइल पड़ी हुई है तो जैसे मान लेते हैं इस फाइल के मैं बात की बात कर रहा हूँ तो ऊपर सबसे ऊपर की टॉप की तरफ देखिएगा बेटा सारे बच्चे अच्छी तरह टॉप की तरह ये देखो ये कंटेंट आप लोगों ने देखा जो ब्लू कलर का हो चुका है yes, sir. ये आपका yeah. इस फाइल का पाथ कहलाया जाएगा ध्यान yes, तो आप सिर्फ यहाँ से इस पाथ को कॉपी करेंगे और अपने HTML के कोड के अंदर लिख लेंगे, अगली बात समझ में yes. हाँ yes, ये बात ध्यान रखनी है, ये केस हम तब यूज करते हैं अपना कि जब हमारे HTML और JavaScript दोनों की फाइलें अलग अलग फोल्डर या अलग अलग ड्राइव के अंदर रखती है, ठीक है ओके सर। हाँ चलिए तो सबसे पहली बात हमने जो यहाँ पर पढ़ी अपने स्क्रिप्ट टैब के बारे में कि बेसिक हमारा स्क्रिप्ट टैब होगा जिसका यूज हम चाहें तो अपने हेड सेक्शन में भी करेंगे और अपने बॉडी सेक्शन में भी करेंगे, वो हमारी नीड और हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, ये बात समझ में आ गई yes, sir. ये सिंपल सिंटैक्स है आप लोगों के जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग का जहाँ पर आप लोग अपने कोड की शुरुआत अपने स्क्रिप्ट टैग के साथ में करेंगे, ये हमारा एकदम स्टार्टिंग स्क्रिप्ट टैग है और लास्ट में याद रखिएगा आपको अपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज्ड जरूर करना होगा जिसके लिए आप लोग स्लैश के साथ में अपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, अगली बात समझ में आता है yes, आगे yes, चलते sir. आगे चले हम लोग वेरी गुड चलिए हाँ तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पर एज अ स्लाइड की फॉर्म में दे रखा है कि कैसे आप लोग अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को यूज करेंगे, तो ये पहले मैं आप लोगों को रन कराकर भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ काम दे देता हूँ कल के लिए जो हम लोगों ने अपनी आने वाली क्लास में करनी है। सबसे पहला टास्क तो आप लोगों का साथियों ये होगा कि जो भी प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनवाना है हम लोगों से या जो भी प्रोजेक्ट आप लोग चाहते हैं जैसे ये प्रोग्राम के या ये प्रोजेक्ट होना चाहिए हमारा आफ्टर कोर्स या आफ्टर जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद में, तो पहले आप लोग बहुत अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या प्रोजेक्ट के अंदर कंटेंट होना चाहिए, स्कूल के लिए बनाया या किसी और के लिए बनाए, क्योंकि मेरा आइडिया ये है और मेरा प्रोग्राम ये है कि अगर आप अपने स्कूल के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही